रूस और बेलारूस कर रहे ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज, आसमान से बम बरसते हुए रूसी एयरक्राफ्ट्स नजर आए हैं बरसाते हुए। बेलारूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस वीडियो को जारी किया गया। यूक्रेनी एफयू सैनिक ने रूसी टैंक को किया है टारगेट, आमने सामने की लड़ाई में यूक्रेनी सैनिकों ने हिम्मत दिखाई। अगला 6 महीना यूक्रेन के लिए है बहुत महत्वपूर्ण, सीआईएचएफ विलियम बर्न्स ने दावा किया, रूस यूक्रेन पर कई तरफ से कर सकता है हमला। चीनी जासूसी बलून को लेकर सुरक्षा अधिकारियों ने प्रेसिडेंट जो बाइडेन को पूरी जानकारी दी, अमेरिकी एयरस्पेस डिफेंस कमांड बारीकी से इसकी निगरानी कर रहा है। जासूसी बलून खुलासे के बाद चीन अमेरिका में तनाव बढ़ गया है, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन का दौरा स्थगित किया। अगले हफ्ते बीजिंग के दौरे पर जाने वाले थे एंटनी ब्लिंकन, चीनी जासूसी बलून से जो बाइडेन हुए नाराज। अमेरिका की तमाम एजेंसियां चीनी बलून के लोकेशन को ट्रैक करने में जुटी हुई हैं। बलून अमेरिका के मध्य से साउथ ईस्ट दिशा की तरफ बढ़ रहा। जासूसी गुब्बारा सबसे पहले चीन से उड़कर अलास्का के पास एल्यूशियन आइलैंड पहुंचा और उसके बाद वेस्ट कनाडा होते हुए अमेरिका के मोंटाना पहुंचा। चीन ने अमेरिकी दावों को किया खारिज, चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया चीन किसी भी देश की हवाई सीमा में घुसपैठ नहीं करना चाहता। रूस ने यूक्रेनी एमिनिशन डिपो पर हमला किया, रशियन आर्टिलरी ने यूक्रेनी डिपो को टारगेट किया, खेरसॉन के इलाके में रशियन आर्मी का बड़ा एक्शन। पूरे भारत में आज और कल विशेष अभियान चलाएगी बीजेपी, बजट का देशभर में प्रचार करेगी। बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री करेंगे पूरे भारत की यात्रा, नागरिकों और बुद्धिजीवियों समेत सभी तबके के लोगों के साथ बातचीत करेंगे। अनुराग ठाकुर जम्मू, जी किशन रेड्डी कोची, राजीव बी चंद्रशेखर कोयंबटूर, अर्जुन राम मेघवाल रायपुर और पीयूष गोयल जाएंगे बेंगलुरु। देवघर के दौरे पर अमित शाह आज विजय संकल्प रैली से करेंगे चुनावी शंखनाद। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे अमित शाह, दोपहर 1:30 बजे इफको नैनो यूरिया प्लांट को का शिलान्यास करेंगे। शाम 4 बजे रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे अमित शाह, 1 महीने में अमित शाह की झारखंड की ये दूसरी यात्रा। बेंगलुरु में 6 जनवरी को इंडिया एनर्जी वीक की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी, कार्यक्रम में दुनिया भर के 34 मंत्री शामिल। मुंबई में स्टेक होल्डर के साथ बजट 2023 पर चर्चा करेंगी निर्मला सीतारमण और उसके बाद मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा टारगेट किलिंग के बीच कश्मीरी पंडितों को घाटी में काम करने के लिए किया जा रहा मजबूर। राहुल ने पीएम मोदी को बताई कश्मीरी पंडितों की समस्या, कहा दूर करने के लिए उठाए जाएं उचित कदम। यूक्रेन ने एमएलआरएस से रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए, बर्फीले मैदान में एमएलआरएस के एक्शन का वीडियो सामने आया। यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर पर ड्रोन से कर रहा निगरानी, ड्रोन से जंगल से लेकर मैदान तक चप्पे चप्पे पर नजर रख रहा है यूक्रेन। लॉन्ग रेंज मिसाइल पर लावरोव ने कहा यूक्रेनी आर्टिलरी को नस्तनाबूद किया जाएगा, यूक्रेनी आर्टिलरी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यूक्रेनी प्लान का खुलासा होते ही रूस ने किया यूक्रेनी आर्टिलरी पर बड़ा अटैक, रूसी सेना ने 70 यूक्रेनी आर्टिलरी को निशाना बनाया। ईरान पर इसराइल के हवाई हमले का खतरा बढ़ गया है, इसराइल ने F-16 लड़ाकू विमान से दिखाई है ताकत, घातक मिसाइलों से लैस F-16 के टेक ऑफ का वीडियो सामने आया। दुश्मन की हर एक्शन पर इजरायली एयरफोर्स की है पैनी नजर, फाइटर जेट के कॉम्बैट ऑपरेशन का वीडियो जारी कर इसराइल ने दिया बड़ा संदेश। रूस का बैटल टैंक T-90M से बड़ा एक्शन, बर्फीले बैटल ग्राउंड से रूस ने किए बड़े हमले। यूक्रेन के हमले का सबसे विध्वंसक वीडियो सामने आया। पूरे कीव में हुआ एयर रेड अलर्ट, कीव में बज रहे खतरे के सायरन। डोनबास पर कब्जे की पुतिन ने सेट की डेडलाइन, डोनबास पर फरवरी तक पूरी तरह से कब्जा चाहते हैं पुतिन। एलजी मनोज सिन्हा के कश्मीरी पंडितों को भिखारी कहने पर भड़के राहुल गांधी, कहा एलजी का बयान गैर जिम्मेदाराना। जोशीमठ संकट पर आज एनडीएमए की अहम बैठक है, पुनर्वास समेत कई विषयों को लेकर एनडीएमए जल्द ही जारी कर सकता है दिशा निर्देश। वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए ईसी की नई पहल, सिनेमाघरों में फिल्म से पहले बजेगा मैं भारत हूं का गाना। रानी मामले पर निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, कहा निवेशकों को बाजार पर पूरा भरोसा है, एसबीआई और एलआईसी पूरी तरह से सुरक्षित। अडानी मुद्दे पर संसद में हुआ जोरदार हंगामा, जेपीसी जांच की मांग पर अड़ा विपक्ष।
बाबा रामदेव की विवादित बयान पर देवबंदी उलेमा नाराज, कहा पतंजलि प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बंद करें मुसलमान। देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी का बयान, कहा बाबा रामदेव पर कार्रवाई करे सरकार। अडानी मामले पर बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कहा सरकार का इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। अडानी मामले के बीच बैंकिंग सेक्टर पर आरबीआई का बड़ा बयान, कहा मौजूदा समय में बैंकिंग क्षेत्र स्थिर है। एसएनपी ग्लोबल रेटिंग्स ने अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स और अडानी इलेक्ट्रिसिटी के आउटलुक में किया बदलाव, दोनों को नकारात्मक कैटेगरी में डाल दिया। यूक्रेन ने आर्टिलरी से उड़ाई रशियन हुविट्ज़र, खेरसों में दिखा यूक्रेनी फौज का बड़ा एक्शन। वैगनर ग्रुप के फाउंडर के खिलाफ यूक्रेन ने खोला आपराधिक मामला, वैगनर ग्रुप पर युद्ध छेड़ने और अतिक्रमण का आरोप लगाया। यूक्रेन पर बड़े हमले की ट्रेनिंग ले रहे रूसी सैनिक, रूस की इन्फेंट्री की सबसे हैरतअंगेज ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया। बर्फ के बीच गोलीबारी करते नजर आए रूसी सैनिक, स्पेशल ऑपरेशन में जाने से पहले रूसी सैनिकों ने की खतरनाक ट्रेनिंग। जर्मन सरकार की खुफिया रिपोर्ट में दावा, सीआईए चीफ ने पुतिन को दिया पीस डील का ऑफर, रूस को 20% यूक्रेन सौंपने की डील से यूएस ने इनकार किया। रूसी फौज का मोर्टार से बड़ा हमला, सेल्फ प्रोपेल्ड मोर्टार से यूक्रेनी ठिकाने पर अटैक किया गया। जंग के मैदान में रूस ने उतारे अपने रोबोटिक हथियार, रूसी रोबोटिक हथियारों से लॉन्च किया जा सकेगा ड्रोन। रूस के रोबोटिक टैंक ने यूक्रेन की उड़ाई नींद, रोबोटिक टैंक नुमा हथियार हर सेकेंड 360 डिग्री घूम सकता है। ईरान से तनातनी के बीच पेरिस पहुंचे इजरायली पीएम, ईरान के खिलाफ सैन्य घेराबंदी की कोशिश में है नेतन्याहू। ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने जताई चिंता, इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि खतरनाक मोड़ पर है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। पीएम मोदी ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग नंबर वन, मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट में पीएम मोदी को 78% अप्रूवल रेटिंग। कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परिणीत कौर को पार्टी से निलंबित किया, पटियाला से कांग्रेस की सांसद है परिणीत कौर। यूपी के जालौर में साधु संतों ने फूका स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला, रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी को लेकर नाराज है संत समाज। पुडुचेरी में डीएमके के विधायकों का अनोखा प्रोटेस्ट, स्कूल ड्रेस पहनकर साइकिल पर विधानसभा पहुंचे विधायक। बजट के विरोध में कोलकाता में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर भी धक्का। हरदोई में अखिलेश यादव के काफिले की कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। सनातन धर्म की रक्षा के लिए बागेश्वर धाम के समर्थन में बनाई जाएगी मानव श्रृंखला, कई सामाजिक संगठन इसमें शामिल हैं। 73 सालों में पहली बार आज मनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस, सिंगापुर के चीफ जस्टिस सुंदरेश मैनन लेक्चर देंगे। मध्यप्रदेश में लगातार बदले जा रहे हैं शहरों के नाम, 50 से ज्यादा गांव शहरों के नाम बदले की शिवराज सरकार। इंडिगो एयरलाइंस की गलती से पटना की जगह उदयपुर पहुंच गया यात्री, शिकायत के बाद दूसरे दिन भेजा गया। जंग के बीच यूक्रेन ने युवा ब्रिगेड बनाने का ऐलान किया, यूक्रेन ने युवाओं से वॉर में हिस्सा लेने के लिए आग्रह किया। रूस यूक्रेन वॉर पहुंचा निर्णायक मोड़ पर, रूस कभी भी कर सकता है यूक्रेन पर भीषण हमला। 17 फरवरी से हिंद महासागर में रूस, दक्षिण अफ्रीका और चीन करेंगे युद्धाभ्यास, ड्रिल के दौरान पुतिन करेंगे हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल को लॉन्च। पेरिस में अगले साल होने वाले ओलंपिक में रूस के भाग नहीं लेने के लिए यूक्रेन ने खोला है मोर्चा, रूस को बाहर करने के लिए खेल जगत के नेताओं से की है पैरवी। सर्बियाई संसद में सांसदों ने की हाथापाई, पीपल्स पार्टी के सदस्यों ने राष्ट्रपति वुसिक पर देशद्रोह का आरोप लगाकर संसद में प्रोटेस्ट किया। सीआईए चीफ विलियम बर्न्स ने दावा किया, कहा मॉस्को बीजिंग के द्विपक्षीय संबंधों को कमाकना बड़ी भूल साबित होगा। लोड शेडिंग की वजह से साउथ अफ्रीका में हर दिन 10 घंटे का ब्लैकआउट, पावर कट से साउथ अफ्रीका में स्थिति बेहद खराब, अस्पतालों में मरीजों की हालत खराब हो गई। ब्लैक सी से रूस कर सकता है मिसाइल अटैक, ब्लैक सी में रूस ने जंगी जहाजों की संख्या बढ़ा दी है, यूक्रेनी सेना ने इस बात का दावा किया। रूस के साथ व्यापारिक संबंधों को रोकने के लिए अमेरिका ने तुर्की और यूएई पर दबाव बढ़ा दिया है, अमेरिका ने तुर्की और यूएई को रूस भेजे जाने वाले सामानों पर रोक लगाने की मांग की। रूस की गोलीबारी में अमेरिकी डॉक्टर की मौत हो गई, बाखमुट में घायल यूक्रेनी सैनिकों को ले जा रही गाड़ी पर रूस की मिसाइल गिर गई।
स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी में समता कुंभ का आज तीसरा दिन है। इस मौके पर दिखाई दे रहा है धर्म, आध्यात्म और संस्कृति का अनूठा संगम। आज ब्रह्म महोत्सव के तीसरे दिन विष्णु सहस्त्र नाम का किया जाएगा सामूहिक पारायण। श्री साकेत रामचंद्र स्वामी और 108 देवदेव मूर्तियों का यज्ञशाला में होगा प्रवेश। हैदराबाद में दूसरे दिन यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित किया गया। गरुड़ जी का फहराया गया झंडा। श्री 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 त्रिदंडी चिन्ना जियर स्वामी जी ने विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है कैंसर डे। पूर्वी दिल्ली के धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल के पास बनाया गया नया राहत फाउंडेशन। वाराणसी के वेदांत ने ली धूमकेतु की दुर्लभ तस्वीर। टेलीस्कोप में मोबाइल को जोड़कर खींची फोटो। इस धूमकेतु का रंग हरा है, साथ ही एक लंबी सी पूंछ है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया ने वीडियो शेयर करके होली पति की पोल परिवार पर लगाया टॉर्चर करने का आरोप। शिकायत पर कोर्ट ने भेजा नोटिस। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की बड़ी साजिश नाकाम। कुलगांव के हाजीपुरा से जैश के 6 आतंकी गिरफ्तार। तेलंगाना के वारंगल में पुराने फर्नीचर की दुकानों में आग लग गई। 8 दुकानें चलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जम्मू में माता वैष्णो देवी भवन के पास लगी आग। बिजली के ट्रांसफार्मर से स्टोर रूम में आग लगी। जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। नवी मुंबई के डंपिंग यार्ड में भीषण आग से अफरा तफरी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिका के आरोप के बाद चीन ने श्रीलंका को कर्ज देने के लिए आईएमएफ से की है सिफारिश। इससे पहले अमेरिका ने कहा था श्रीलंका को कर्ज देने के लिए। चीन ने आईएमएफ को सहमति नहीं दी। चीन के खिलाफ नाटो जापान के साथ रिश्ते मजबूत करने में जुटा है। वहीं चीन ने जापान को समझदारी से काम लेने की सलाह दी। नॉर्थ कोरिया से बढ़ते खतरे के चलते अमेरिका और साउथ कोरिया कर रहे युद्धाभ्यास। अमेरिकी सांसदों ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को लिखे खत। ब्लिंकन को ताइवान का फिर दौरा करने की अपील की। अमेरिका और फिलीपींस में हुआ बड़ा समझौता। चीन पर नजर रखने के लिए फिलीपींस में 4 स्ट्रेटेजिक इलाकों में अमेरिका तैनात करेगा अपनी फौज। जयपुर में गैंगस्टर पर पुलिस कमिश्नरेट की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर्स के सोशल मीडिया पेज को लाइक करने वाले 26 गिरफ्तार। दिल्ली के सुल्तानपुरी में फाइनेंसर के ऑफिस में फायरिंग हुई है। बाइक सवार 2 शूटर्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। जोशी मठ के बाद अब जम्मू कश्मीर के डोडा में घरों पर संकट। करीब 18 घरों में दरारें आई। 3 घर हुए संतोष। जम्मू कश्मीर के गुरेज में बर्फीले तूफान का कहर। किशन गंगा नदी का बहाव रुक गया है। तूफान से किसी नुकसान की खबर नहीं। आगरा में छापेमारी के दौरान एसएचओ का महिलाओं से दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल। डीसीपी ने किया निलंबित। जांच जारी।